नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ईपीएफ के केवाईसी करने का टाइम में ये वाले एरर क्यों आ जाता है। अगर आपके पास ये वाले एरर आ जाता है तो ओटीपी डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। जब तक आप ओटीपी नहीं डालते हो आपके केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अभी करके दिखाऊंगा, वो भी लाइव करके दिखाऊंगा। कंप्लीट आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा तभी जाके आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको केवाईसी करना है फायरफॉक्स ऐप से ही आपको करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मोबाइल से कर सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास जो भी है आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है ईपीएफ। उसके बाद आपको सर्च बार में क्लिक कर देना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो ऐसे वाले पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप मोबाइल में करना चाहते हो, मोबाइल में आपको ऊपर थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइड में क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाले पेज को हटाने के लिए नीचे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ये जो क्रॉस दिखाई दे रहा है क्रॉस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो, लैपटॉप कंप्यूटर प्रोसेस सेम है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपने यूएन नंबर यहाँ पर डाल देना है, अपने पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहे वाले कैप्चर को इस पर डाल देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे कुछ फिल कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन दिखाई दे रहा है, साइन इन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, हमारे अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, लेटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज दिखाई दे रहा है, मैनेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी दिखाई दे रहा है, केवाईसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप बैंक के केवाईसी करने चाहते हो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैंक दिखाई दे रहा है, बैंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने बैंक के अकाउंट नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बैंक अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर फिल किया सेम बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर भी डाल देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आईएफएससी कोड, अपने बैंक के आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। मैंने यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने बैंक के आईएफएससी कोड भी यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेरीफाई आईएफएससी कोड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आईएफएससी कोड वेरीफाइड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर ओके में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रांच के नाम आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपने बैंक के नाम। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेव, सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद ये वाले पेज ओपन हो। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डियर मेंबर योर मोबाइल नंबर लिंक विद यूएन डिज नॉट मैच विद आधार लिंकेड मोबाइल नंबर। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है अपने यूएन नंबर पे सेम मोबाइल नंबर नहीं है, इसी वजह से ये वाले एरर आ रहा है। उसको कैसे ठीक करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपके यूएन नंबर में जो मोबाइल नंबर है और अपने आधार नंबर में सेम मोबाइल नंबर होता तो ये वाले एरर नहीं आता। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ओटीपी डालने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये वाले एरर को हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेज दिखाई दे रहा है, मैनेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो मोबाइल नंबर है वो आपको चेंज कर लेना है। अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही वाले मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है, मतलब वही वाले मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही वाले मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको पता नहीं है आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है, वो कैसे पता करना है, अपने यूएन अकाउंट में भी पता चल जाएगा आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन में जाना है। ऑनलाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लेम दिखाई दे रहा है, क्लेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लेम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई में क्लिक कर देना है। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यस कर देना है। यस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो ऐसे वाले पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीएफ एडवांस फ्रॉम, दूसरा भी आ सकता है। अगर आप डेट ऑफ एग्जिट कर दिया तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 1910 से भी आपके पास आ सकता है, किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेक्ट सर्विस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेक्ट एडवांस वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कोई भी आप चूज कर लीजिए, क्योंकि हमें मोबाइल नंबर ही ढूंढना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने अमाउंट कुछ भी आप यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरे एड्रेस डाल देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर डाल देता हूँ, कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ मोबाइल नंबर ही ढूंढना है, कुछ भी करना नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है।
उसके बाद आपको यहां पर अपने सिटी डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने पिन कोड यहां पर डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, कोई भी इमेज आपको डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ओपन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। उसके बाद क्या करना है, आई एम इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेट आधार ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। हमें क्या करना है, अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही हमें पता करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 7055 ये वाले हमारे मोबाइल नंबर रजिस्टर है अपने आधार कार्ड में। तो हमें क्या करना है, यही वाले मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर के 4 डिजिट आपको दिखाई देगा, पूरे कंप्लीट यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यही वाले मोबाइल नंबर आपको डालना है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे आधार कार्ड में कितना मोबाइल नंबर था, 7055, और यहाँ पे आप देख सकते हो 61, मतलब हमारे मोबाइल नंबर अलग अलग है। यूएन अकाउंट में मोबाइल नंबर अलग है और अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अलग है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंज कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चेंज मोबाइल नंबर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है इस पर आपको डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है री एंटर न्यू मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ध्यान रखना है अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही वाले मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। मैं पहले मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको गेट ऑथराइज पिन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर ऊपर मोबाइल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी आईडी दिखाई देगा। उसके बाद आपके पुराने मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाता है, आपको क्या करना है ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव चेंज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, केवाईसी में दोबारा हमें वहाँ पर जाना है। मैं यहाँ पर जल्दी बता देता हूँ, यहाँ पर मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर केवाईसी दिखाई दे रहा है, केवाईसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आपको बैंक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर जो बैंक अकाउंट नंबर आपने फिल किया सेम बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर भी डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बैंक के आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने बैंक के सारे डिटेल्स फिल कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई आईएफएससी कोड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आईएफएससी वेरीफाइड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओके दिखाई दे रहा है, ओके में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रांच के नाम और बैंक के नाम। उसके बाद क्या करना है, आपको सेव में क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, हमने जो अभी चेंज किया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डिटेल्स दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया, हमें क्या करना है यहाँ पर ओटीपी डाल देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने ओटीपी डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सबमिट दिखाई दे रहा है, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे केवाईसी सक्सेसफुल। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है करंट एक्टिव केवाईसी, जितना भी आपके केवाईसी एक्टिव है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हमने जो अभी केवाईसी किया है, अब यहाँ पे देख सकते हो केवाईसी पेंडिंग, आपको यहाँ पर पेंडिंग सेक्शन में दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी हिस्ट्री, जितना भी वेरीफाई होगा, अप्रूव होगा, रिजेक्ट होगा, आपको यहाँ पर सेक्शन में आ जाएगा। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा, ये वाले केवाईसी वेरीफाई होने के बाद आपको ऊपर दिखाई देगा। इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, मैंने जैसे इस वाले वीडियो में बताया आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है, मैंने जैसे यूएन नंबर से ही निकाल के आप लोगों को दिखाया, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है अपने यूएन अकाउंट में आधार नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तो ही जाके आप निकाल सकते हो आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। केवाईसी करने के टाइम में आपके पास ए वाले एरर आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो दो बार ए वाले एरर आएगा। तो आपको क्या करना है, दो बार आपको लॉग आउट करना है, फिर लॉग इन करना है, तो ही जाके आप केवाईसी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये था पूरे जानकारी, इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।